नमस्कार, आप देख रहे हैं dasugam.com। यहाँ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जोधपुर गैंगरेप मामले को लेकर। दरअसल इसको लेकर पीड़िता ने खुद पूरी उस रात की आप बीती बताई है। जोधपुर पीड़िता ने खुद पूरी मीडिया से खुलासा कर दिया है उन बातों को लेकर, जिसने उस रात को क्या क्या दृश्य देखे थे और उसको क्या क्या सहना पड़ा था। हम एक रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे कि आखिर पीड़िता ने क्या कुछ कहा है, देखेंगे आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप dasugam.com पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज ही dasugam को फॉलो करें और dasugam के साथ जुड़ें, ताकि आपको राजस्थान प्रदेश की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें मिलती रहें। जोधपुर गैंगरेप पीड़िता ने बताई उस रात की आप बीती, जिन्हें भाई जैसा माना था उन्हीं तीन दरिंदों ने कई कई बार दुष्कर्म किया है। दरअसल आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि जोधपुर गैंगरेप मामले को लेकर जो तस्वीरें हैं पीड़िता की, वो हम आपको नहीं बता सकते, बल्कि आप कान लगाकर इस कहानी को जरूर सुने जो उस पीड़िता ने अपने मुंह से कही है। 15 जुलाई की रात 10:30 बजे थे, मैं अपने दोस्तों के साथ ब्यावर से जोधपुर बस स्टैंड पहुंची। घर से 7500 रुपए लाई थी, दोस्त के पास कुछ भी नहीं था। सस्ते होटल की तलाश में हम कृष्णा गेस्ट हाउस पहुंचे, वहां हमें अलग फ्लोर पर कमरे दिए गए। मैं नीचे और दोस्त ऊपर वाली मंजिल पर था। मेरे रूम में कुंडी नहीं थी, यानी जो अंदर से लगाते हैं। रात को होटल वाला पानी की बोतल देने के बहाने दोस्त एक जो भाई जैसा माने थे वो अंदर घुस गए और तेज शराब की बदबू आई। उसने अचानक मेरे साथ सेड़ साठ शुरू कर दी। मैं घबरा कर चिल्लाने लगी, उसे धक्का देकर बाहर भागी। दोस्त का कमरा ढूंढते हुए जो कमरा देखा उसके दरवाजा खटखटाने लगी। तभी एक कमरे से दोस्त की आवाज आई कि मैं यहाँ हूँ, कमरा बाहर से बंद है। अन्य कमरों से लोग बाहर आने लगे। तब होटल कर्मचारी घबराया और दोस्त के कमरे का ताला खोला, बोला चिल्लाओ मत, दोनों को एक कमरा दे देता हूँ। हम मना कर निकल गए। हमने ये तय किया कि अहमदाबाद चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त के सासा रहते हैं, उनकी मदद लेंगे। हम बस स्टैंड के पास खड़े थे, हमें देख तीन लड़के आए। पूछा क्या कर रहे हो, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। एक के हाथ में डंडा भी था। हमने कहा अजमेर से आए हैं और अहमदाबाद जाना है। वे बोले हम मदद करेंगे, सरो कुछ खा लो, भूख लगी होगी या पानी पी लो। वे बोले बस से तो महंगा पड़ेगा, सुबह अहमदाबाद के लिए ट्रेन मिलेगी, उससे चले जाना। सरो रेलवे स्टेशन तक हम आपको छोड़ देते हैं। हम उन्हें भाई जैसा मानकर साथ चल दिए। वे बोले रेलवे स्टेशन दूर है, मेन रोड से जाएंगे तो पुलिस पकड़ सकती है। हमें पता है कि घर से भाग कर आए हो, हम उनकी बातों में आ गए। वे हमें कच्चे रास्ते से मैदान में लाए। रात करीब 3 बजे का वक्त था और सन्नाटा साया हुआ था। हम उन पर भरोसा कर आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उनका व्यवहार बदल गया, मेरे दोस्त से मारपीट करने लगे। मेरे साथ सेड़कानी उन्होंने उसी समय रास्ते में ही शुरू कर दी। मैंने कहा हमें छोड़ दो, कुछ पैसे हैं ये ले लो। वो बोले पैसे नहीं, लड़की सही है। फिर दो लड़कों ने हमें पकड़ा और तीसरे ने मेरे दोस्त को बांध दिया। पीड़िता का गला रुंध गया, रोने लगी। फिर बोली वे दरिंदगी पर उतर आए, बारी बारी से दुष्कर्म किया। मैं सीखती रही, चिल्लाती रही, परंतु वे नहीं माने। एक एक ने दो दो तीन तीन बार दुष्कर्म किया। तभी हल्की रोशनी में किसी को आता हुआ देखा तो मैं फिर से जोर शोर के साथ चिल्लाने लगी। तो पहले एक अंकल, फिर कुछ लड़के दौड़ कर आने लगे। ये देख तीनों दरिंदे भाग गए। फिर वो अंकल और लड़कों ने हमारी मदद की और पुलिस को बुलाया, यानी मंगलवार के दिन उसने ये बात की है। पुलिस मुझे आरोपियों की शिनाख्ती के लिए ले गई थी, मैंने उन्हें देखते ही अब पहचान लिया। तीनों वही दरिंदे थे जिन्होंने मेरा जीवन खराब कर दिया। उनमें से दो तो नजरें झुकाए बैठे थे, उनमें से एक मुझे घूरे जा रहा था। फिर भी बिना डरे मैंने पुलिस के सामने सबको पहचान लिया कि वही है। एक दुख है मन में, गला नहीं होती है कि एक गलत फैसला कितना भारी पड़ गया। ये घटना जीवन भर नहीं भूल पाएंगे और हमेशा मन में रहेगा कि क्यों घर से भागने का फैसला किया। लड़की ने ये खुद कहा है कि मेरे एक मन में ये बड़ा दुख है कि मैं घर से क्यों भागी। अब तो बस यही चाहती हूँ कि उन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मांग लड़की ने खुद ने की है मीडिया से। उन्होंने कहा है कि मेरी वजह से ये सब हुआ, उसी से शादी कर साथ निभाऊंगा। पीड़िता का दोस्त, पीड़िता ने दोस्त ने कहा कि हमारी गलती रही कि घर वालों को बिना बताए भाग कर आए हैं, उम्र भी कम थी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए मैं साथ निभाऊंगा, मैं उसी से शादी करूंगा। दोनों के परिवार भी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। अब तय किया गया है कि यहाँ से जाने के बाद रोका करवा देंगे, यानी शादी करवा देंगे। जब दोनों बालिग हो जाएंगे तो शादी करवा देंगे। इस पर बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि दोनों की शादी का खर्च मैं उठाऊंगी और उन तीनों दरिंदों को जल्द से जल्द
सजा दिलाने की कोशिश करूंगी। ये थी पीड़िता की मन की बात जो हमने आपके साथ साझा की है बिना तस्वीर के साथ। ये हमारे लिए सबसे बड़ा योगी बात रही है। साथ ही इन बयानों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई है।